दोस्तों आज की इस नई वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसी ऐसी बैंक का जो नेट बैंकिंग होता है अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड भूल चुके हैं तो इस वीडियो को आप देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप उसे निकाल सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बैलाइकन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा तो चलिए इस वीडियो में आपको कम्प्लीट प्रोसेस बताता हूँ किस तरीके से यूजर नेम और पासवर्ड निकाला जाता है बैंक का जो कि नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड होता है आपको इस पेज पे आना होगा इस पेज का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं आईसीआईसी आए बैंक डॉट कॉम तो सर्च कर लेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग पे क्लिक करना होगा उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऑप्शन आपके सामने में खुल जाएंगे जैसे है यूज़र आईडी डी और पासवर्ड है उसके बाद जब आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड होंगे तब आप लॉगिन कर पाएंगे तो नीचे में एक ऑप्शन है फॉरगेट यूज़र आईडी और पासवर्ड तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा इस जगह तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर गेट यूज़र आई गेट पासवर्ड तो सबसे पहले हम जो है यूजर आईडी निकालते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप तीन तरीके से निकाल सकते हैं अकाउंट नंबर डेबिट कार्ड के नंबर से उसके बाद क्रेडिट कार्ड के द्वारा तो मेरे पास अभी अकाउंट नंबर है तो यहाँ पे हम अकाउंट नंबर यहाँ पे इंटर कर देंगे अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो यहाँ पे आपके पास डेबिट कार्ड के नंबर आ जाएंगे तो यहाँ पे अगर क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का आप यहाँ पे इंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पे चलिए हम अकाउंट नंबर यहाँ पर देंगे उसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे जो आपके खाते से लिंक है वो आपको देना है उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आपको एटीएम शो कर रहा होगा तो आप अपने एटीएम कार्ड को पीछे पलटिए पीछे पलटने के बाद पे जो भी सी के नीचे जो भी दो अंक है वो आपको यहां पे टाइप करना है उसके बाद जो डी के नीचे दो अंक है वो आपको टाइप करना है जो ओ के नीचे है वो आपको दो अंक टाइप करना है जिसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए कंग्रेचुलेसन योर इंटरनेट बैंकिंग यूजर आई डी हैज बिन सेंट टू योर तो रजिस्टर मोबाइल नंबर तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया गया तो है तो चलिए पासवर्ड कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ तो यहीं पे आपको जो है गेट पासवर्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे चलिए हम क्लिक कर देते हैं मैसेज में आया है यूज़र आई तो यहाँ पर आपको इंटर करना पड़ेगा तो चलिए हम यहाँ पर इंटर कर देंगे उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा तो चलिए हम यहाँ पर दे देंगे उसके बाद प्रोसीड पर फिर आप क्लिक कर देंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हम यहाँ पे दे चुके हैं उसके बाद प्रोसीड पे हम क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओ आएगा उस ओ को यहाँ पे इंटर करना है उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे फिर से क्लिक कर देना है तो चलिए हम ओ दे चुके हैं उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका यूज़र आईडी ऊपर में आ जाएगा उसके बाद जो आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे उसके बाद कन्फर्मेशन के लिए फिर से वही पासवर्ड आपको यहाँ पे इस बॉक्स में आपको यहाँ पर इंटर करना है उसके बाद फिर से आप प्रोसीड पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हम पासवर्ड दे चुके हैं देखिए ये लाल दिखा रहा है जब तक आपको यहाँ पे हरा ना दिख जाए तब तक आपका यहाँ पे पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाएगा तो आप यहाँ पे अच्छे से पासवर्ड यहाँ पे सेट कीजिए जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कुछ आप अपने नाम में जो है कैपिटल लेटर इस्तेमाल कर डिजिट भी ऐड कर सकते हैं कुछ नॉम निकल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन में आपको दिखाया गया है उसके बाद चलिए हम प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन योर इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड हैज बिन सक्सेसफुल जनरेट तो मेरा जनरेट हो गया तो चलिए हम यहीं से अब लॉग कर पाएंगे तो चलिए लॉगिन नाउ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूजर आई पासवर्ड डालेंगे उसके बाद लॉग बटन पर यहाँ पे, पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप सफलतापूर्वक आप लॉग कर पाइएगा जैसे कि आप यहाँ पे मेरा नाम भी यहाँ पे शो कर रहा है मिथुन पंडित उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र में आ जाएगा तो यहाँ पे आप जो है बिल पे कर सकते हैं रिचार्ज कर सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन दिया गया है तो इसी तरीके से आप जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है निकाल सकते हैं और लॉग भी कर सकते हैं अगर इस वीडियो के रिकॉर्डिंग कोई भी आपका सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें बता सकते हैं तो दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा तो एक मेरा न्यू चैनल है उसे भी आप सपोर्ट दे सकते हैं यहाँ पे एक आइकन आ रहा होगा तो यहाँ पे क्लिक करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी को नए शानदार वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत